नमस्कार किसान भाइयों, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। हम राजेंद्र जी के फार्म पर है। राजेंद्र जी पिछले 2 साल से फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और इनका यह दूसरा बैच है। साल में तकरीबन एक बैच यह डालते हैं। अभी का बैच देखा जाए तो यह सोनाली देसी मुर्गी का बैच इन्होंने डाला हुआ है और यह 500 चूजे लेकर इन्होंने शुरुआत की थी। 2 साल में इनको ये पता चला कि एक बैच अगर हम साल भर चलाते हैं तो उसमें हम अंडा उत्पादन भी ले सकते हैं और उसी तरह जो मेल बर्ड्स हमारे बैच में हैं उनका सेल भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह पिछले साल इन्होंने एक बैच निकाला हुआ है और यह दूसरा जो सोनाली देसी मुर्गी का बैच है यह अभी इनके पास तकरीबन 4 महीने का बैच है और 1 महीने के बाद इनके पास अंडा उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी इनके पास जो बर्ड है वह सेल के लिए रेडी हो चुके हैं। मेल बर्ड जो है यह सेल करते हैं और तकरीबन लोकल जगह पे मार्केट में देखा जाए तो इनकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती है। पर बर्ड के हिसाब से बिक्री हम करते हैं तो उसमें अच्छा मार्जिन मिलता है और यही बात इन्होंने की है। इनका फार्म जो है यह रोड के साइड में है तो काफ़ी सारे लोग जो है तो यहाँ पर फार्म पर विजिट करके यहाँ से बर्ड और एग दोनों भी परचेस करते हैं, इसलिए इनका सेल जो है मार्केटिंग जो है यह काफ़ी प्रॉपर चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी खुद की खेती है तो खेती के साथ खेती में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो यह वेस्ट मटेरियल अपनी देसी मुर्गियों को फ्री रेंज में देते हैं, जिसमें काफ़ी सारी सब्जियां इन्होंने लगाई हुई है तो इन सब्जियों का ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है तो वह मटेरियल वह फ्री रेंज में डालते हैं। और उसी तरह कृषि में से जो बाकी बचा कुचा मटेरियल निकलता है जिसमें सूखी घास होती है, थ्रेसिंग के बाद मटेरियल जो रहता है, फ्रूट्स वेस्ट होते हैं, तो यह सब चीज़ें जो है फ्री रेंज में डालते हैं। इस कारण इनकी मुर्गियां जो है इनका फीडिंग का कॉस्ट काफ़ी कम रहता है और इनकी सेहत भी देखी जाए तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मुर्गियों की सेहत भी काफ़ी अच्छी है। मेन कलर पैटर्न जो है इनकी एक्टिवनेस है तो यह भी अच्छी रहती है और इस कारण जब हम मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं तो वहाँ पर रेट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि हमारी जो पोल्ट्री बर्ड्स है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। और उसी तरह अंडे के बारे में भी देखेंगे तो फ्री रेंज में जो अंडे मिलते हैं तो बाकी अंडों के जैसे ही होते हैं दिखने में, लेकिन टेस्ट के बारे में आपको भी पता है कि देसी मुर्गियों के अंडे का टेस्ट कैसे होता है। वो भी फ्री रेंज में अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है हमें अंडे में और मांस उत्पादन में मिलते हैं। तो राजेंद्र जी का यह जो प्रयोग है तो हमने इन्हें सजेस्ट किया था कि छोटा बैच आप रखिए ताकि आपको जो है मेंटेनेंस जो है इनका मेन खास करके फीडिंग के ऊपर का जो कॉस्टिंग है ये बाकी जो कॉस्टिंग रहती है तो ये कॉस्टिंग मिनिमम रख सकते हैं और रिटेल सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जी साल में एक बैच लेकर ये फ्री रेंज कर रहे हैं तो बाकी सभी किसान भाई भी इनसे सीख लेकर अपना फ्री रेंज मुर्गी पालन जो है वह शुरू कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।